तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुद पायो अनुघासम अनुघासम प्रत्येक ग्रास पर भोजन करने वालों को बिना चाहे भी तीन चीज मिल जाती है, वो न चाहे तो भी मिल जाएगी। कौन कौन? तुष्टि ही संतोष, बढ़िया चीज मिली खाने को, वाह आनंद आ गया, संतोष पुष्टि। कभी भूखे हो और इतनी जोर की भूख लगी हो को बिल्कुल लगे कि अब तो शरीर एकदम नर्वस हो रहा है, तो एक एक ग्रास में लगता ताकत आ गई, पुष्टि। और क्षुत अपाय, ठीक इसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले को भी बिना चाहे मुक्ति हो जाती है, चाहता नहीं है। भगवान ने पहले मुक्ति देवी को धरती पर भेजा, बोले जाओ लोगों की थोड़ी खोज खबर लो, कल्याण करो, मुक्ति धरती पर आई। पद्म पुराण में लिखी ये बात। तो मुक्ति महारानी जब अकेली धरती पर आई तो पाखंडी लोग उनके पीछे पड़ गए, बड़े बड़े पाखंडी हैं महाराज, भोले भाले जीवों को ठगने वाले लोग। ऐसे भी लोग हैं जो आपको कह देंगे कि तुम क्या करोगे मुक्ति को लेके, तुम तो हमको पैसा दो, तुम धन कमाओ और हमको दो, तुम्हारा कल्याण का ठेका तो हमने ले रखा है, बोलो किस लोक में तुम्हारा कमरा रिजर्व करा दें। वो धन धन लेकर और मुक्ति देते हैं, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे इस देश में जो कहेंगे तुम्हें माला फेरने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ मत करो, तुम तो खाली कमाओ और हमको पैसा दो, इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोले भजन, हम साधु बने ना भजन करने के लिए, हम करते हैं भजन, तुम भेंट करो, तुम्हारा कल्याण पक्का। भैया ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बारी मथे घृत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। ये अपेल सिद्धांत है। दान करने से शास्त्री जी पुण्य तो मिल जाएगा, पुण्य का फल इस लोक में भी मिलेगा, स्वर्गादि लोकों में भी मिलेगा, किंतु जीव का परम कल्याण तो भगवत स्मरण से होगा, भगवान के भजन से होगा, भगवान की भक्ति से होगा, और वो किया कराया भजन नहीं मिलेगा, वो तो खुद करना पड़ेगा। भोजन की चर्चा करने वाले को तृप्ति नहीं होती, भोजन करने वाले को तृप्ति होती है। इसी तरह से भजन करने वाले को उसका लाभ मिलेगा।